हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप अपने QR एंड बारकोड एप्लीकेशन से किसी चीज को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन मैनेजर में जाना है। तो मेरा एप्लीकेशन मैनेजर मोर सेटिंग्स के अंदर है, तो यहाँ से मैं मोर से अपने एप्लीकेशन मैनेजर में चले जाऊँगा। अब यहाँ पे आपको अपनी बार कोड की एप्लीकेशन को यहाँ से ढूंढ लेना है, ठीक है। QR कोड बार कोड की एप्लीकेशन को यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो ये रही QR एंड बार कोड स्कैनर की एप्लीकेशन, इसको कर लेते हैं यहाँ से ओपन। अगर आप यहाँ पे कर पाए तो यहाँ से आप फुल स्टॉप यहाँ से कर दीजिएगा और यहाँ पे आप उसके बाद स्टोरेज में चले जाइए और यहाँ से आप एक बार क्लियर कैचे कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से क्लियर डेटा भी कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। यहाँ पे आप परमिशंस देख पाएंगे, तो परमिशंस पे आपको कर लेना होगा क्लिक। अब यहाँ पे आपको कैमरे और स्टोरेज के परमिशन को यहाँ से ऑन कर देना होगा। अगर आपके फ़ोन में ये दोनों परमिशंस पहले से ही ऑन होगी तो आप इसे ऑफ करके वापस से ऑन कर दीजिए। देखिए, अब आपको यहाँ पे बैक आ जाना है पूरी तरीके से। यहाँ पे आपको पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और अपने फ़ोन को यहाँ पे रीबूट कर लेना है यहाँ से। और उसके बाद आपको अपने फ़ोन को, जब आपका फ़ोन ऑन होगा तो आप अपने QR एंड बारकोड की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं यहाँ पे आप सॉल्व कर। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को देखना है सॉल्व हुई है या फिर नहीं। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख।